अब तक तो आपको भी YouTube के नए अपडेट के बारे में पता चल गया होगा, यानी कि YouTube ने जो अपडेट दिया है जिसमें वो 24% टैक्स काटने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी तक आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे कि किसको किस तरीके से फिल करना है, किस तरीके से सबमिट करना है। बट मैं आपको इस वीडियो में कुछ एक ऐसे सवालों के जवाब बताने वाला हूँ कि जो कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। तो वो सारे सवाल कौन कौन से हैं और उसके जवाब क्या होंगे, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो अपडेट आया हुआ है ये उन चैनल्स के लिए है जिनका चैनल मोनेटाइज है, यानी कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है और आपने गूगल एडसेंस पे अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका चैनल है, आप अपने चैनल पे वीडियोज भी अपलोड कर रहे हैं बट आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है, यानी कि मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है तो आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट भी नहीं बनाया होगा। और अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट है ही नहीं तो आपको नहीं करना है, मतलब कि भविष्य में आप जब गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको ये चीज़ें करनी होगी। अगर अभी आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है, अभी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होगा तब आप ये चीज़ें कीजिएगा, मतलब कि तब आप जा करके अपना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा टैक्स के लिए। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लग रहा है, यानी कि ये जो टैक्स वाला जो अभी आया हुआ है गूगल एडसेंस में, इसको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड ले जाकर के वहाँ पे फिल करके सबमिट कर दें तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पैन कार्ड का ही डिटेल डालना है, यानी कि पैन कार्ड का जो आपका नंबर होगा वही चीज़ें वहाँ पे फिल करनी है। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड का नंबर डाल दिए या फिर वोटर आईडी कार्ड का या फिर कुछ और, तो फिर कल्याण हो जाएगा आपका, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड की ही डिटेल्स वहाँ पे आपको फिल करनी है। तीसरी बात कि मान लीजिए आपके पास दो YouTube चैनल हैं और उनका एडसेंस अकाउंट एक ही अकाउंट से लिंक है, यानी कि आपके पास चैनल तीन चार हैं और एडसेंस अकाउंट एक ही है, यानी कि उन दोनों चैनल को आपने एक ही एडसेंस अकाउंट से लिंक करके रखा है। सिर्फ आपको उसी एडसेंस अकाउंट में अपना जो भी डॉक्यूमेंट है दे करके, मतलब पैन कार्ड का नंबर दे करके सबमिट करना है। अगर एक लाइन में इस बात को कहना चाहूँ तो बात यह है कि आपके पास जितने अलग अलग एडसेंस अकाउंट होंगे सभी में ये अप्रूवल आपको करना होगा। अब चौथी बात आपको बताता हूँ, अगर आपकी एज 18 वर्ष से कम है तो आपके पास तो पैन कार्ड अवेलेबल होगा नहीं, आपने पैन कार्ड अभी तक बनवाया नहीं होगा और आपका गूगल एडसेंस अकाउंट चल रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपका एडसेंस अकाउंट अगर आपके गार्जियन के नेम से है तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, उनका ही पैन कार्ड वहाँ पे सबमिट कर देंगे। मतलब कि एडसेंस अकाउंट जिनके नाम से होगा, मतलब कि जिनके डिटेल्स वहाँ पे फिल किए होंगे, उन्हीं का पैन कार्ड वहाँ पे लगेगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है और आपने किसी भी तरीके से कोई भी जुगाड़ बिठा करके एडसेंस अकाउंट बना लिया है और आपके पास अब पैन कार्ड तो अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे पैन कार्ड मांगेगा ही मांगेगा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में बस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वेट करना है। जब आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, जब आप अपना पैन कार्ड क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद वो पैन नंबर वहाँ पे फिल करके सबमिट कर देंगे, तब तक होगा क्या कि आपका 24% यूट्यूब काटते रहेगा। और YouTube ने ये कहा है कि ये चीज़ें, यानी कि ये जो टैक्स वाली जो चीज़ें हैं इसको सबमिट करना है आपको 31 मई तक, यानी कि 31 मई तक उन्होंने लास्ट डेट दिया है, उस डेट के अंदर तक ये चीज़ें आपको कर लेनी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके व्यूवर्स सिर्फ इंडिया के ही हैं, यूएस के नहीं हैं, मतलब कि आपकी वीडियोज पे जो भी व्यू आते हैं वो सिर्फ इंडिया के हैं, यूएस से नहीं आते हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। ठीक है, आपके चैनल पे व्यूज़ कहीं से भी आए, इंडिया से आए, पाकिस्तान से या यूएस से आए या फिर सिर्फ इंडिया से ही है, आपको ये चीज़ें कंपलसरी है, ये चीज़ें आपको फिल करनी है, सबमिट करनी ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें आपका नुकसान है। तो ये जो अपडेट आया है टैक्स रिलेटेड यूट्यूब से, तो इससे रिलेटेड और भी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा और इस चीज़ को किस तरीके से फिल करना है इसके लिए बहुत सारी वीडियोस YouTube पे आ चुकी हैं, आप जाकर के देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से फिल करके सबमिट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।